हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिनव और स्वागत है आपका मेरे चैनल क्विजिंग गैलरी में। आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे और गुड़ से बना बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक, जिसे हम तैयार करेंगे कढ़ाई में, वो भी बिना अंडे और बेकिंग पाउडर के। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम केक बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई रखी है गर्म होने के लिए, इसमें मैंने डाला है नमक। कढ़ाई को हम ढककर 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट कर लेंगे। अब हम एक बोल लेंगे, इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी रिफाइंड ऑयल और आधा कटोरी दही। तो ये ताज़ा दही लिया है मैंने। दोनों ही चीज़ें हम बराबर मात्रा में लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए फेंट लेंगे। तो ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें डालेंगे 3/4 कटोरी गुड़। तो यहाँ मैंने पाउडर गुड़ लिया है, आप चाहें तो गुड़ को क्रम्बल करके भी डाल सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए फेंट लेंगे। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच वनीला एसेंस फ्लेवर के लिए, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे आटा। तो यहाँ मैंने 2 फुल कटोरी गेहूँ का आटा लिया है, जिससे हम रोटी या चपाती बनाते हैं। तो आटे को हम एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके 3 से 4 बार में डालेंगे और ज़रूरत के हिसाब से इसमें हम दूध का इस्तेमाल भी करेंगे। 2 कटोरी आटे में मैंने लगभग 1 फुल कटोरी दूध का इस्तेमाल किया है। दूध की मात्रा भी मैंने उसी कटोरी से नापी है, जिससे मैंने आटा लिया है। आप चाहें तो इसमें गुड़ की मात्रा बढ़ा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो। पर 2 कटोरी आटे के हिसाब से 3/4 कटोरी से लेकर 1 कटोरी गुड़ पर्याप्त है। इससे ज़्यादा इसमें गुड़ की आवश्यकता नहीं है। तो बाकी बचा हुआ आटा भी डाल देते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने बारीक कटे बादाम, अखरोट, पिस्ते और चिरौंजी लिए। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम रख लेंगे गार्निशिंग के लिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 पैकेट इनो, साथ ही ऐड कर लेंगे 4 चम्मच पानी। पानी की जगह पे आप 4 चम्मच दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कुछ सेकेंड के लिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसे फेंटेंगे नहीं, केवल अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुछ सेकेंड के लिए। अब हम एक कंटेनर लेंगे, इसे मैंने ऑलरेडी घी से ग्रीस किया हुआ, इसे निकाल लेते हैं। इसे टैप कर लेंगे। हमारी कढ़ाई भी प्री हीट हो चुकी है, इसमें रखेंगे स्टैंड। अब रख देंगे कंटेनर को। अब इसे हम 1 से 1.5 घंटे के लिए बेक करेंगे लो फ्लेम पर। लगभग 20 मिनट बाद इसमें हम डाल देंगे बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स गार्निशिंग के लिए। अब दोबारा से इसे कवर करके रखेंगे बेक होने के लिए। 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, इसे हम चेक कर लेते हैं। हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं, रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो ये ठंडा हो चुका है, इसे मैंने डीमोल्ड कर लिया है। ये देखिए केक बनकर तैयार है, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। इसे मैं आपको काट के दिखाता हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, ये कितना स्पॉन्जी है ये। तो फ्रेंड्स, गेहूँ के आटे और गुड़ से बना सुपर सॉफ्ट और हेल्दी केक बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।